लगातार बारिश से किसानों पर आफत, अभी ऐसा ही रहेगा मौसम। आज यहां ओलावृष्टि, वर्षा के आसार। मौसम खुलने की बात जो रहे, किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। रविवार रात से ही बारिश शुरू हो गई और सोमवार को भी प्रदेश भर में जमकर पानी बरसा, कई जगह ओले भी गिरे। नतीजा ये रहा कि खूब फसलें बर्बाद हुई। गेहूं और सरसों पर तो सबसे ज्यादा इस मौसम का प्रभाव पड़ा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार का कहना है कि अभी मौसम ऐसा ही रहेगा। उधर प्रदेश सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6.4 मिलीमीटर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2.3 मिलीमीटर पानी बरसा। सबसे ज्यादा 6.6 मिलीमीटर बारिश बहराइच में हुई है। मौसम किसानों को खूब रुला रहा है। बिना मौसम के तीसरे दिन लगातार बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बारिश के साथ हवा चली तो खासतौर से गेहूं की फसल गिर गई, सरसों को भारी नुकसान हुआ, ओले भी गिरे। इससे प्रदेश के सभी हिस्सों में नुकसान हुआ है। मध्य उत्तर प्रदेश में रात से ही बारिश शुरू हो गई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दोपहर से बादल बरसना शुरू हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी खूब बारिश हुई। इस बारिश से खेतों में जलभराव भी होने लगा, जहां किसानों ने गेहूं कटाई शुरू कर दी है। वहां फसल खेत में ही पड़ी रह गई और पानी भर गया। साथ ही जलभराव से लौकी, तोरी जैसी सब्जियां गलनी शुरू हो जाएंगी। आलू की खुदाई पर ब्रेक लग गया है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक यह बारिश फसलों के लिए बेहद नुकसानदायक है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में असमय वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की सूचना आ रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जिला स्तर पर संयुक्त सर्वे में नुकसान का आकलन कर बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि नुकसान के 72 घंटे के भीतर सूचना अवश्य दें, कटाई के बाद खेत में रखी फसल को सूचना भी दी जाए। किसान टोल फ्री नंबर 1800889688 पर सूचना दी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कृषि विभाग अधिकारी 10 दिन के भीतर यह सर्वे पूरा कर किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान कराएं। मुख्य उद्यान विशेषज्ञ राजीव वर्मा के मुताबिक तापमान ज्यादा होने से आम के बौर को झुमका रोग अपनी चपेट में ले रहा था। बारिश होने से तापमान कम हुआ है, इससे नुकसान नहीं है। किसान बस नमी ज्यादा ना होने दें। नमी ज्यादा होने से दहिया, फफूंदी या खर्रा रोग बढ़ जाता है। बौर पर ऐसा लगता है जैसे आटा छिड़क दिया हो। इससे बचाव के लिए गंधक युक्त फफूंदनाशी का प्रयोग करें। यदि बारिश लगातार होती रही तो फसल को नुकसान हो सकता है। मंगलवार सुबह इन जिलों में तेज बारिश के आसार, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद, और यहां ओलावृष्टि के आसार हैं। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर।